बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के जाल में शिवसेना पूरी तरह से फंस चुकी है। शिवसेना को अब इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र की सियासत में मातोश्री का रुतबा अब खत्म हो गया है। दरअसल बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव लड़ा और सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा भी पार कर लिया था, लेकिन शिवसेना ने इन वक्त पर बीजेपी सरकार से समर्थन खींच लिया और बीजेपी को समर्थन नहीं देने का फैसला कर लिया। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक चाल चली जिसमें उनका पूरा सहयोग एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दिया। जब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया तो अमित शाह ने चुप्पी साध ली और शरद पवार ने मोर्चा संभाल लिया। उद्धव ठाकरे को लगा कि शरद पवार उनको समर्थन दे देंगे और उनका मुख्यमंत्री बन जाएगा, लेकिन शरद पवार ने अपना गेम खेल दिया और कांग्रेस के साथ समर्थन नहीं देने का फैसला कर लिया है। हालांकि अब तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लगातार समय खींचता जा रहा है और महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन पा रही है। अब शिवसेना के पास सिर्फ दो ही विकल्प है, या तो अकेले रहे या तो फिर बीजेपी के पास चली। दोनों ही मामले में मातोश्री का कद पूरी तरह से खटता हुआ दिख रहा है। अगर शिवसेना बीजेपी के साथ दोबारा सरकार बनाने की कोशिश करती है तो उसे मन मुताबिक पद नहीं मिलेगा और ना ही महाराष्ट्र में उसकी साख को कोई फायदा होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर शिवसेना अकेले रहती है तो इस सिचुएशन में भी शिवसेना का कद घटेगा। इस तरह से कहा जा सकता है कि शरद पवार और अमित शाह ने साजिश के तहत शिवसेना को फंसा दिया और मातोश्री की साख पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी।